विधानसभा के चुनावों में जिस प्रकार गुजरात की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, रिकॉर्ड सातवीं बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक दृश्य पूरे देश और भारत की जनता के सामने है। वहीं हिमाचल के अंदर यहां हर 5 वर्षों के बाद एक सरकार बदलने का वहां हमेशा एक रिवाज रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने भी एक बहुत अच्छे मत प्रतिशत के साथ मतदान किया। दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जैसे अलग अलग टेलीविजन सर्वेस में आ रहा था उससे कई गुना बेहतर प्रदर्शन वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गुजरात ने तो कमाल किया है, कमाल, गुजरात ने कमाल के साथ साथ धमाल किया है और लगातार सातवीं बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का सूपड़ा साफ हुआ है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश के अंदर विकास कार्य किए और जम्मू कश्मीर में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य जम्मू कश्मीर में हुए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने कार्य किया है। आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में भी यहां विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला है, 6 सीटें। देखिए गुजरात में 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं और आज तक गुजरात के इतिहास में विधानसभाओं में ये सबसे बड़ी जीत है और ये जनता का प्यार है जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के प्रति लोगों का अथाह विश्वास है, ये वह प्रदर्शित होता है। मोदी साहब हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं। मोदी साहब हर हिंदुस्तानी की सांसों में और हृदय की हर धड़कन में मोदी साहब बसते हैं और ये जो रिजल्ट्स विधानसभा के चुनावों में आए हैं ये दिखाता है कि प्रचंड बहुमत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जीत